दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। शिवसेना का अटैक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जारी है। अब उन्होंने मोदी सरकार को हिटलर और मुसोलिनी की सरकार कहा है फादर स्टैन स्मिथ के केस में। उन्होंने ये भी कह दिया कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिटलर की और मुसोलिनी की सरकार है और वो देखा जाए तो फादर स्टैन स्मिथ की मौत के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फादर स्टैन स्मिथ की हत्या हुई है, मौत नहीं हुई है, और हत्या करने वाली जो है मोदी सरकार है। ये काफ़ी इस किस्म के वाक्य की हिटलर, मुसोलिनी, मोदी, ये शिवसेना अक्सर यूज़ करती है और ख़ास तौर से संजय राउत यूज़ करते आए हैं अपने मराठी दैनिक, उनका जो सामना आता है उसके अंदर, हिंदी सामना भी आता है। अगर कोई और व्यक्ति इस कड़े वचनों को बोल दे कि मोदी जी हिटलर और मुसोलिनी जैसे हैं तो उनको उठा के अब तक जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन संजय राउत हैं, शिवसेना के बड़े महामंत्री हैं और साथ में संसद सदस्य हैं और सामना के एक तरह से कहा जाए तो एडिटर भी हैं वो। हालांकि नाम के एडिटर तो उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद थोड़ी अखबार चलाते हैं, अखबार तो संजय राउत चलाते हैं। तो उन हालातों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो अटैक है बहुत कड़वा और बहुत भारी अटैक है, जहाँ पर हिटलर और मुसोलिनी का दर्जा दिया गया है संजय राउत के द्वारा मोदी सरकार को द्वारा, यानी कि नरेंद्र मोदी को कहा जाए तो। अब उनके खिलाफ़ कोई एक्शन होगा? मुझे नहीं लगता कोई एक्शन हो सकता है, क्योंकि इतना तो किसी की हिम्मत है नहीं कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ कभी कोई एक्शन हो जाए। और राजनीति के अंदर ये चीज़ें हैं कि बीजेपी तो हमेशा कोशिश करती रहती है कि हम फिर से शिवसेना के साथ एक दिन वापस आएंगे, तो क्यों एक्शन लेना उसके खिलाफ। ये चीज़ें हैं सारी की सारी अहमियत रखती हैं तो, लेकिन काफ़ी कड़ा कटाक्ष कर गए वो। शुक्रिया।